हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं। वो तो आपको देखने को मिल गया। तो हम आज अपने चैनल पे क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं अपने कान्हा के लिए मोर बनाना, जिससे हम ड्रेस भी बना सकते हैं। और ड्रेस भी बनाना कैसे बनेगी वो मेरी और वीडियोस में देख सकते हैं आप। आज तो मैं मोर बनाना सिखाऊंगी। ये ब्लू कलर का मोर है और ये मोर बनाना बहुत ही आसान है। आने वाली टाइम में और भी ऐसे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो मिलती रहे। ये देखिए, इससे आजकल बहुत वायरल है ड्रेसें, तो हम ये बनाना सीखेंगे। इस तरीके का सांचा लेंगे और सांचे से हमने मोर बनाना सीखेंगे। और ये आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा बनाते बनाते, कि हम छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो छोटी ड्रेस के लिए मोर कैसे बनेगा, बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो बड़ी ड्रेस के लिए मोर कैसे बनेगा। चलिए तो फिर सीखते हैं। ये हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, बुकरम का पीस लिया है। देखिए आप, ये हमने ड्रॉ करके मोर का एक सांचा सा बना लिया है। देखिए ये लुक आएगा। इसके बाद हमने शनिल लिया ब्लू कलर की, इसको उल्टा करते हैं ऐसे और इसके बाद इसको इस तरीके से रखते हैं, सेट कर लेते हैं और एक सिलाई लगा देंगे। देख लेते हैं, जिस तरफ से आपका कंफर्टेबल सही बैठेगा आप उस तरीके से इसको सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इधर से, ये टमी वाला एरिया है ना, इधर से हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से, स्लो स्लो इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये इस पे किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। यहाँ पे बल्कि हमारी बुकरम पे सिलाई लग भी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत किनारे पे है तो हमारा बुकरम बड़े आराम से ऐसे उतर जाएगा। देखिए, ये हम इसके इस सांचे से हम और भी बना सकते हैं, जितने चाहे उतने मोर बन बना सकते हैं। ये पीछे से देखिए लुक ऐसा है इसका। अब हम इसके किनारे किनारे कटिंग कर लेते हैं और फिर इसके इसको टर्न करेंगे हम। चलिए कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना इसे हल्का सा टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद हमारा ये लुक आया है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम फाइबर की कॉटन हम कोई सी भर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, फाइबर से ना फूला फूला अच्छा लगता है। और जो सादा वाली कॉटन होती है उससे क्या है, लुक में वजन आ जाएगा और फूला फूला कम रहेगा, एक टाइम आके खराब सा लगता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके मोर के चेहरे पे भरते हैं। थोड़ा मुश्किल आएगी लेकिन ये हो जाएगा, किसी की भी मदद ले सकते हैं। जैसे मैं तो इस सुई की लेने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं। एक बार हम पेंसिल को भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिर में भरना ही दिक्कत आती है, बाकी तो ये बहुत आसानी से बन जाता है मोर। और आजकल इसकी ड्रेसेस बहुत बन रही हैं, हम इसकी ड्रेस कैसी बनेगी वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये हमने इसके सिर में भर दिया। देखिए, ये हमने इनके चेहरे में भर दिया, तो चेहरे का लुक ऐसा आएगा। और इसके बाद ये फाइबर रुई होती है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जो रजाई वगैरह बनाते हैं या आसानी से मिल जाती है। थोड़ा सा अपने मार्केट में देखिए, और जिसे मोर बनाने में दिक्कत आ रही हो और मोर चाहिए हो तो वो मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसको मोर बना के भी दे सकती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। यहाँ सिलाई लग जाएगी, इसके बाद ये मोर इस तरीके से बनेगा। अभी हम और भी आपको मेरे चैनल पर इसकी ड्रेस भी मिलेगी, क्योंकि हम आज मोर ड्रेस बनाना नहीं सीख रहे हैं, आज हम मोर बनाना सीख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलाई लगानी है। अभी थोड़ा सा हल्का हल्का टमी इसका, जैसे ये एरिया खाली लग रहा है, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये टमी खाली लग रहा है, तो हम इसमें टमी में भी डाल देते हैं। थोड़ी सी आप करोगे ना प्रैक्टिस,
क्योंकि मैं तो बहुत सारे मोर बना चुकी हूँ, तो मुझे तो प्रैक्टिस है। ये देखिए अब लग रहा है ना मेरा खाते पीते घर का मोर। ये देखिए अब इसके आगे हम इस पर सिलाई लगाते हैं सुई धागे से। वो ये हम यहाँ पे इसका टमी बंद कर देते हैं, सुई धागा की मदद से हम इसका टमी बंद कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपके पास। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये कुछ आंखें हैं। अब इस पे हमें देखने की कौन सी आंखें सेट होंगी, हम वही आंखें मोर पे लगा देंगे। तो हम इस आंख को लगाएंगे। या छोटा बड़ा साइज आप अपने ड्रेस के अनुसार खुद कर सकते हैं, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है ग्लू की सहायता से। दोनों साइड लगा लें। ठीक है, बाकी काम हम इसमें ग्लू गन से करेंगे। तो चलिए अब ग्लू गन के पास चलते हैं। तो अब हम आ गए ग्लू गन के पास। ये हमने रेड कलर का कपड़ा ले लिया है और इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हैं इस तरीके से, और ग्लू गन की मदद से इसे इस तरीके से, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा इसे कट कर दिया और ये कट कर दिया। अब ये हमारे पास चोंच, ये कुछ इस तरीके की चोंच बन के आ जाएगी। तो देखिए हमने ये चोंच बना ली है। अब इस तरीके से चोंच बनाने के बाद हल्का ऐसे करके ओपन कर लें, ग्लू लगा लें चारों तरफ, और ये इस तरीके से इसे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा लुक आएगा। अब क्या करना है, अभी हमें तो इसे डेकोरेट करना है। तो एक मैं स्टोन चैन से, स्टोन चैन नहीं, स्टोन शीट से ही करूंगी। इस तरीके से लेते हैं, हल्का हल्का सा ग्लू लगाया। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप अपने मोर को किस तरीके से, कुछ लोग मोर को पंखों से करते हैं, कुछ लोग अपने मोर को पैचों से करते हैं। आज हम पैच से करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फिर पैच में ये वाली यूज कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से अपने मोर को रेडी करना है। ये मेरा मोर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये मेरा मोर तैयार हो चुका है। ये आपको मोर बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो में, ताकि आपको जल्दी जल्दी मिल सकें और आप अपने घर पे अपने खाना को अपने अपने स्टाइल में तैयार कर सकें। राधे राधे।